कश्मीर में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी की है, तो वहीं पीडीपी भी एकला चौलोरे का नारा बुलंद कर चुकी है। इन सब से इधर कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने खास प्लान बनाया है। बीजेपी ने तय किया कि कश्मीर में पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान का प्रमुख एजेंडा नेशनल इंटीग्रेशन यानी राष्ट्रीय एकता होगा। आगामी विधानसभा के चुनाव में कश्मीर की सभा 47 विधानसभा सीटों पर इसी राष्ट्रीय एकता के एजेंडे को बीजेपी और उसके समर्थक उम्मीदवारों जनता के लिए ले जाएगी। इसके अलावा धारा 370 हटाए जाने के बाद घाटी में विकास और युवाओं को आतंकवाद के रास्ते में जाने से रोकने की बातें भी कश्मीर की हर विधानसभा में जनता को पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से बताई जाएंगी। बीजेपी ने तय किया कि युवा और नए चेहरों को टिकट बंटवारे में वरीयता दी जाए। साथ ही कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद विकास से क्या बदलाव हुए, ये विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कश्मीर की जनता को सामने लाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इसके अलावा कश्मीर इलाके में चुनाव प्रचार अभियान के दौर पार्टी निशाने पर कश्मीर में सक्रिय दो राजनीतिक परिवार फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती रहेंगे, जिनके कार्यकाल के दौरान हुए भ्रष्टाचार की बातें जनता को बताई जाएंगी। कश्मीर रीजन में एक चौथाई सीट पर पार्टी निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन भी करेगी, जो पीएम नरेंद्र मोदी के कश्मीर एजेंडे के समर्थक हैं। पीएम मोदी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं की जम्मू की तरह कश्मीर रीजन में भी सभाएं होंगी। इस बार सीमावर्ती इलाकों पर सभाओं को रखने का खास फोकस होगा। सूत्रों के मुताबिक कश्मीर रीजन में लोकसभा चुनाव में हाई वोटर टर्नआउट में बीजेपी काफ़ी उत्साहित है। वोटरों के इसी उत्साह को पार्टी विधानसभा जीत में तब्दील करना चाहती है। बहरहाल कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाने की घोषणा की विपक्षी कांग्रेस ने भी स्वागत किया। कश्मीर नेता अलका लांबा ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की घोषणा को लोकतंत्र की जीत बताते हुए चुनाव के लिए पार्टी के अभियान की शुरुआत की। भारतीय महिला कांग्रेस प्रमुख लांबा ने कहा कि ये लोकतंत्र की जीत है, ये कश्मीर के लोगों की जीत है। 10 साल के लंबे इंतजार के बाद यहाँ लोकतंत्र बहाल हो गया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोगों को सरकार बनाने के लिए अपने प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलेगा और उम्मीद जताई कि उनकी पार्टी को बहुमत मिलेगा। अगर बीते चुनाव की बात की जाए तो भाजपा और पीडीपी ने मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन सरकार सिर्फ 2 ही साल चल पाई। भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि दो राजनीतिक विरोधी एक साथ हुए और कश्मीर में सरकार बनाई। हालांकि राजनीतिक मतभेदों के चलते सरकार 2.5 साल तक ही चल पाई। बाद में भाजपा और पीडीपी के आपसी मतभेद इतने बढ़ गए कि भाजपा ने अपने समर्थन वापस ले लिया था। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वेल इंडिया।